धनबाद सदर अस्पताल में कई अत्याधुनिक वेंटिलेटर बेकार पड़े हुए हैं। कोरोना काल में संक्रमण काल में मिले 60 अत्याधुनिक वेंटिलेटर बेकार पड़े हुए हैं। लगभग आधा दर्जन वेंटिलेटर तो कूड़े के अंबार में पड़ा हुआ है। स्थिति ये है कि अगर जन्म के पश्चात कोई नवजात गंभीर हो जाए तो उसे SNMMCH या निजी अस्पताल का रुख करना पड़ता है। क्या है अस्पताल का हाल, जायजा लिया हमारे संवाददाता राजकुमार जायसवाल ने। अभी हाल ही में धनबाद सदर अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारियों के द्वारा कहा गया था कि वो अपने यहाँ व्यवस्था को इतना दुरुस्त करें कि यहाँ से मरीजों को रेफ़र करने की नौबत ना आए। अभी हम सदर अस्पताल में ही खड़े हैं और सामने में जो आप वेंटिलेटर देख रहे हैं, ये वेंटिलेटर यहाँ पर उस वक्त आया था जब कोरोना संक्रमण काल चल रहा था और PM केयर्स के फंड से इस वेंटिलेटर को यहाँ पर लाया गया था। उस वक्त ये फंक्शन में आ गया लेकिन आज इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। ये अलग बात है कि जब बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं या फिर वैसा बच्चा जो प्री मैच्योर डिलीवरी का होता है तो उस परिस्थिति में बच्चों को यहाँ से दूसरे अस्पतालों में रेफ़र करना पड़ता है। सामने में देखिए कि बेड लगाए गए हैं, तमाम व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त करके दी गई है। सामने में शौचालय भी है और स्टाफ के लिए ये शौचालय है। ठीक यहाँ पर देखिए, यहाँ भी वेंटिलेटर को ही रखा गया है। हालांकि ये स्टोर रूम है या कूड़ेदान है ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर ये वेंटिलेटर इस्तेमाल में होता तो इसे यहाँ तो नहीं रखा जाता। और वेंटिलेटर के ऊपर जिस तरह से पंखे रखे गए हैं, जाहिर सी बात है कि इसका इस्तेमाल अभी नहीं किया जा रहा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इन अस्पताल में इस तरह की व्यवस्था मौजूद है और मैन पावर की कमी है तो जल्द से जल्द यहाँ पर मैन पावर व्यवस्थित की जानी चाहिए ताकि वैसे बच्चे जो प्री मैच्योर डिलीवरी के हों या फिर जन्म के साथ जिन बच्चों को जॉन्डिस आदि की समस्या होती है उन्हें यहाँ से दूसरे अस्पतालों में रेफर करने की नौबत न आए और उनका इलाज यहीं पर हो सके। कुछ इमरजेंसी यदि हो जाता बच्चा के, खुदा ना खास्ता मेरे बच्चे के साथ कुछ नहीं हुआ, सीजर हुआ, मेरे बेटी हुई है, कुछ यदि हो जाता तो उसका व्यवस्था यहाँ नहीं है। जैसे मान लीजिए खून लेने में तकलीफ है तो, हाँ सांस लेने में तकलीफ हो, खून का प्रॉब्लम यदि होता है, माँ को यदि खून चढ़ाना हो तो हमको दूर से लाना था। ऐसा ब्लड बैंक भी यहाँ नहीं है, नहीं है। और सब और बच्चे को बच्चा अगर प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाए तो उसको वार्मर में रखने की व्यवस्था है यहाँ पर, वो ठीक हम जानते नहीं है पर है नहीं, वो हम सुने किसी किसी से वहाँ है नहीं। जैसे कि हम जिस दिन लाए थे उस दिन भी बोला गया था कि ये बच्चा सीजर में है, थोड़ा माथा ऊपर है, यदि ज़्यादा दिक्कत होगा हम लोग से नहीं होगा तो हम लोग रेफ़र करेंगे, PMCH रेफ़र करेंगे। तो फिर यहाँ से इतना कंडीशन में लाएँ फिर ले जाएंगे PMCH, वो सब हम लोग को दिक्कत होता है। प्लस पेशेंट जो रहता है, हाँ। पेशेंट के लिए कम से कम पेशेंट के लिए तो खाना का व्यवस्था यहाँ होना चाहिए, वो भी नहीं मिलता। को भोजन नहीं मिल पाता, नहीं कुछ नहीं मिलता है। आज 3 दिन हो गया मेरा पेशेंट का तो बोलता अभी तक कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, पानी बिस्किट कुछ भी कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मेरा बच्चा का तबीयत खराब था, डॉक्टर ने बोला कि यहाँ से अस्पताल ले जाइए। अस्पताल गए तो यहाँ 2 दिन के बाद रिपोर्ट आया कि बच्चा का जॉन्डिस हुआ है, तो बच्चा का यहीं पर देखभाल भी हो रहा, माँ यहीं सदर में भर्ती है, अब बच्चा यहीं है। बच्चा कहाँ पे है? बच्चा PMCH में है, सीसा में पैक है। बच्चा सीसा में पैक है? यस। सदर अस्पताल में कि PMCH में? PMCH में। और माँ कहाँ पर है? सदर में है। तो दूरी तो बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा है। किस तरह से आप लोग मैनेज कर रहे हैं? गाड़ी जाते गाड़ी जाते हैं। अभी वहाँ पे बच्चा के साथ कौन कौन है? बच्चा के साथ क्रिमिनल सासू माँ, बस आपकी सासू माँ। हाँ। बच्चे को दूध पिलाने के लिए वो वहाँ पर, और आना जाना आपको करना पड़ा। हाँ। परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है, बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो क्या चाहते हैं कि सब व्यवस्था यहीं पर हो जाए, सब व्यवस्था यहीं किया जाए? तो नए जो बच्चे तुरंत जन्म लेते हैं उन बच्चों को अगर कोई परेशानी है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है या फिर वो समय से पहले जन्म ले लिए हों तो उन्हें यहाँ पर बेहतर तरीके से रखने की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। लेकिन ये मशीनें भी यहाँ पर फिलहाल रखी हुई हैं और यहाँ पर भी एक भी बच्चा मौजूद नहीं है। और ये स्थिति जहाँ मैंने पहले दिखाया लगभग उसी तरह की है कि मशीनें तो पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं लेकिन अस्पताल को अब तक DMFT से या फिर सरकार की तरफ से वो मैन पावर नहीं दिया गया जिससे कि ये तमाम मशीनें फंक्शन में आए। और अगर टेक्नीशियन की कमी है या फिर प्रशिक्षित नर्स की कमी है तो इस कमी को दूर करने की जिम्मेवारी किसकी होगी, यह जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि अगर धनबाद जिला प्रशासन लगातार इस कोशिश में है कि यहाँ पर बेहतर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराया जाए, मुहैया कराया जाए, तो क्या वजह है कि अभी तक अस्पताल को साफ सफाई करने में, रंग रोगन में पैसे तो खर्च हो रहे हैं लेकिन
जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जिससे कि एक बच्चे को दूसरे अस्पताल में ले जाने के समय कई दफ़ा जान जाने की नौबत आ जाती है, कई बच्चे मर जाते हैं, वो स्थिति उत्पन्न ना हो और उस स्थिति से अस्पताल को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर क्या कुछ किया जा रहा है, इन तमाम जो बातें हैं इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, News 22 स्कोप, धनबाद। इस मामले में जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने किसी भी तरह से लापरवाही से इनकार किया। उन्होंने इसके पीछे मैन पावर की कमी को बड़ी वजह बताई। ये आपको लगता है कि कचड़े का अंबार में तब्दील हो गया, अभी हम लोग उसका अभी जो हम लोग मॉक ड्रिल किए हैं उसमें उसका यूज किया गया है और आप उसको कचड़े का अंबार बता रहे हो। आप हमको दिखाइए कि कचड़े का ढेर में वो रखा हुआ है। हमारे पास जो है, हमारे पास जहाँ रखने का जगह है वहाँ वो सुरक्षित रखा हुआ है। कचड़ा कहाँ आपको नजर आ रहा है कि कचड़े का अंबार में मैंने उसे रख दिया है? एक रूम में हमारे पास स्टोर जो है वो स्टोर की तरह काम करता है, वो स्टोर है हमारा, शौचालय बगल में नहीं हो सकता है क्या? हाँ, तो शौचालय उसी में है क्या? नहीं, क्या वो शौचालय की तरह वो रूम यूज हो रहा है? वेंटिलेटर के ऊपर पंखा रखा हुआ है। आपके कहने से पंखा रखा हुआ है, मैं वहाँ देख के आया हूँ, DDC साहब भी देख के गए हैं, वहाँ कोई पंखा नहीं रखा हुआ है। और एक जब हमें मैन पावर होगा तो हम जरूर फंक्शनल लाएंगे।